देख रहे हैं स्टार टीवी। आज थाना जफरवाल में डीएसपी खालिद डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया, जिसमें खलील उर्फ खीला डकैत गैंग को मीडिया के सामने पेश किया गया। खलील उर्फ खीला डकैत गैंग के मुतल्लिक डीएसपी साहब ने क्या बताया, आइए हम आपको दिखाते हैं डीएसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोटरसाइकिल की बढ़ती वारदातों के रोकथाम के सिलसिले में नार डीजे साहब नारोवाल की हदायत पर और उनकी दी हुई गाइडलाइन के मुताबिक एसएचओ साहब जफरवाल को एक खसूसी टास्क दिया गया, जिस पर जनाब एसएचओ साहब जफरवाल और उनकी टीम इमरान नवीर एएसआई और दीगर कॉन्स्टेबलान ने दिन रात मेहनत करके एक तीन रुकनी गैंग खलील और खीला गैंग, जो मोहम्मद खलील, मोहम्मद आसम और मोहम्मद यासर पर मुश्तमिल है, उसको गिरफ्तार किया, इंटरोगेशन की और इनसे 5 दर्जन मोटरसाइकिल जो कि इन्होंने मुख्य जगहों से सिटी नारोवाल, नारंग मंडी और जफरवाल से जो मुख्य उकाब में चोरी किए थे। जैसा कि आपने देखा, डीएसपी खालिद डार साहब ने बताया कि खलील उर्फ खीला डकैत गैंग जो है वो आदि मुजरिमों का एक ग्रोह है और इनके कब्जे से 5 अदद मोटरसाइकिलें और 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। आइए अब हम तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। हमने बातचीत की है खलील उर्फ खीला डकैत गैंग से, उनका इस बारे में क्या कहना है। भाई बता रहे हैं कि जेल से आपका इनके साथ लड़ना, पहले मैं गया था जो इधर से, ठीक हो गया। लड़ाई झगड़ा किसने, खानदान के साथ लड़ाई झगड़ा जी, तो इसके अलावा कोई वारदात आपको नहीं? मैंने कोई वारदात नहीं की। ये वारदात आप जो पुलिस कह रही है कि वारदात हुई है, ये आप कह रहे हैं आपने नहीं की, आपके पास सिर्फ एक चोरी की गाड़ी? चोरी की गाड़ी मेरे पास नारायणगढ़ से गिरफ्तार है, ठीक हो गया। वो इन्होंने चोरी की कि आपने चोरी? चोरी की आपके पास थी, चलाना आ रहा। पुलिस ने कैसे पकड़ा आपको? मेरे को गाँव से लोगों ने बताया था, गांव के लोगों ने बता दिया कि इसके पास चोरी की गाड़ी है जी। पुलिस ने वहां रेड की और आपको पकड़ ली जी। जफरवाल की पुलिस नारंग मंडी में कैसे मतलब पार गई? वैसे ही लोगों ने बताया था इसके पास वारंट पड़ेगा, बाइक पर इसने पकड़ा, उसने चेक नंबर मारा, नेट में मारा तो नारंग मंडी की, नारंग मंडी की जी। ये पुलिस ने चेक किया जी? ये कि नारंग पुलिस ने चेक किया? नहीं, चौकी टप्याला। आप चौकी टप्याला की तरफ आए, वहां पे इन्होंने आपको रास्ते में रोका और आपकी वो इंजन गांव से चोरी? लोगों ने बताया था चौकी टप्याले अपने तलक से नहीं, आप चौकी टप्याला में थे, आपके पास बाइक नहीं थी जी, ऐसे ही है। पुलिस ने भी कैसे पकड़ लिया? पुलिस को गांव वालों ने, लोगों ने बताया था। आपका गांव नारंग है? मेरा गांव बड़ी गांव है। अच्छा, आपका गांव बड़ी गांव में गांव वालों ने बताया कि भाई ये इसके पास अप्लाई पर गाड़ी है, ये चोरी की है जी, ठीक है। पुलिस ने जाकर उस गाड़ी की तफ्तीश की और चोरी की निकली जी, बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी FIR दर्ज की। हाँ जी भाई, आपने क्या किया? आप कैसे पकड़े? इनके साथ ही मुलव्वस किया। नहीं, मुलव्वस कैसे कर लिए? वो किस जगह पे डिप्लेट थी? वो हमारे गांव के साथ गांव उधर से वो नहीं निकली। आपके नाम से FIR हुई थी जी? दरखास्त हुई थी। अच्छा, जो एप्लीकेशन नहीं हुई है वो झूठी थी वारदात। FIR नहीं हुई उसकी जी? नहीं हुई। आप उस चक्कर में पकड़े गए जी? ये भाई साहब थे, वो हमने नहीं वारदात की थी, नहीं की थी, उसकी वजह से ये मोटरसाइकिल लोगों ने बता के फिर बाद में मोटरसाइकिल पकड़ी। अच्छा, बाद में मोटरसाइकिल? वो वारदात हमने, इसके अलावा आपने कौन सी वारदात की? क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? कहाँ पे? फैसलाबाद में। तो इस भाई के साथ क्या तलब है आपका? गांव के आपके दोस्त हैं, ठीक हो गया। आपका गांव है जी? कोट रंजीत। आपका गांव है? बट्टी कॉलोनी, ठीक है। इस भाई के साथ तलब था, ये आपका सगना था जो प्लान करता था कि जी यहाँ जाके टिकेटी की वारदात करनी है या यहाँ जाके मोटरसाइकिल पकड़ लिया या ये प्लान ही करता था, उसमें आप सगना मिलेगा। कैसे सगना, कैसे कह सकते हो आप? उसके बाद आपसे 5 मोटरसाइकिल बरामद की,
आपने अभी तक दो मोटरसाइकिल भाई क्रॉस कर लिया जी, दो जो मोटरसाइकिलें हैं वो आपने क्रॉस कर लिया। मेरे पास एक आपके ऑब्जेक्शन के लिए एक आपके ऑब्जेक्शन जी, दो मोटरसाइकिलें आपने क्रॉस की हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बाकी मोटरसाइकिलें आपने नहीं पकड़ी, वो हमने वारदात पर नहीं किया, उससे पहले कोई नहीं किया। ये पहली वारदात थी, पहली बार पिछली बार जो आप जेल में गए थे वो घर पर लड़ाई झगड़े की वजह से गए थे, गए थे अकेला गया था। आपके वाले साहब क्या करते? मेरे वाले कत्ल हो गए। आपके वाले कत्ल हो गए, दुश्मनदारी में कत्ल हुए? दुश्मनदारी का मशहूर है, हमें फसाया जाता है, दबा हमें फसाया जाता है। ये बाइक चोरी करने में तो किसी ने नहीं फसाया, बाइक चोरी इसने की, हमने चलाने में मेरे पास था ना तीस रुपये। ए इनकी वादा सरकार दी, आपने बाइक चोरी कर ली, चोरी की आपने, दोनों ने मिलकर चोरी की। ये जुर्म आप इतराफ कर रहे हैं कि आपने एक 125 गाड़ी चोरी की है, ठीक हो गया। इस वारदात का इतराफ आपने जैसा कि आपने सुना, मुल्जमान का ये कहना है कि हमने मोटरसाइकिलें चोरी नहीं की, बल्कि हमसे एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसी मौकफ को लेकर मुल्जमान अदालत से बरी हो जाएंगे और हम इससे अगली किस्त के मुंतजर रहेंगे। क्या पुलिस मुल्जमान को कैफरे करदार तक पहुंचा सकेगी या फिर हम इसी तरह से एक नई वारदात के मुंतजर रहेंगे?